झमाझम बारिश में नेताजी भाषण दे रहे थे और जनता ने सर पर रख ली उल्टी कुर्सी। नमस्कार, मैं कुलदीप साहू और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। रीवा में स्पीकर कार्यक्रम के दौरान अजीबो गरीबो दृश्य देखने को मिला। स्पीकर ने जैसे ही माइक पकड़ा, झमाझम बारिश होने लगी और सामने बैठी जनता ने कुर्सी उठाकर सिर पर रख ली। विधानसभा स्पीकर गिरीश गौतम सड़क लोकार्पण कार्यक्रम देवगमा में मुख्य अतिथि थे। गिरीश गौतम ने जैसे ही मंच पे भाषण देना शुरू किया, झमाझम बारिश होने लगी, लोग भागने लगे। तभी गौतम ने भाषण शुरू कर दिया, पानी से लोग भीगने लगे और गौतम जी बचने के लिए छतरी के नीचे आ गए और लोगों ने कुर्सी को ही छतरी बना लिया। वहां पे बैठी जनता कुर्सी को उल्टा कर पानी से बचने की जतन करने लगी। भारी बारिश के बीच नेता जी का भाषण लोग सुनते रहे। जनता का यह उत्साह देखकर विधानसभा अध्यक्ष का मनोबल चौथे आसमान पर पहुंच गया और गांव को 10,000 वोट देने की अपील कर दी। साथ ही किसानों को भरोसा दिलाया कि पानी की किल्लत अब नहीं होगी। उसको सर्वाइव करने का मौका, उसी तरह जिन फसलों को सूखती हुई फसलों को ये पानी जो है उसी तरह से सीधे उनको 18% ले जाएगा, उसको सर्वाइव करने का अवसर। भारी बारिश है, कार्यकर्ताओं का उत्साह है कि आपको सुनने के लिए खड़े। भारी बारिश हो रही, कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते बनता है, इसके बावजूद यहाँ पर खड़े हैं लोग सुनने के लिए। आपको लिखना, मैंने तो अपनी लिखी है।